दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैटल ऑफ ब्रिटेन के बारे में, जब हिटलर ने एक तरफा फ्रांस और पोलैंड पर जीत हासिल की थी, जब फ्रांस की सरकार गिर चुकी थी और साथ ही डंकर्क से सारी अलाइड फोर्सेस को निकाला जा चुका था। तब हमारे श्रीमान हिटलर जी का पूरा ध्यान आया ब्रिटेन पर। हालांकि जब उन्होंने युद्ध की शुरुआत की थी तब उन्होंने ब्रिटेन के लिए कोई स्पेशल प्लान नहीं बनाया था, लेकिन जैसे ही फ्रांस को जीत लिया गया तो उन्हें एक प्लान तैयार करना ही पड़ा। लेकिन यहाँ वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़े, उससे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं वर्ल्ड वॉर टू में ब्रिटेन की स्थिति क्या थी। हम बात कर रहे हैं जबकि तब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और जर्मनी के साथ ट्रीटी ऑफ वर्सायल साइन हो चुकी थी, जिसके अनुसार पोलैंड और फ्रांस ने जर्मनी के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था और ब्रिटेन ने भी जर्मनी के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए थे, जिनमें से प्रमुख था कि जर्मनी भविष्य में कभी भी अपनी वायुसेना को विकसित नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी जर्मनी ने चोरी छुपे अपनी वायुसेना का विकास किया था। लेकिन जब हिटलर बाबा सत्ता में आए तो उन्होंने खुलेआम अपनी वायुसेना का विकास किया था। लेकिन जब हिटलर ने शुरुआत में ऑस्ट्रिया पर अपना पहला कब्जा किया था तो फ्रांस और ब्रिटेन दोनों ही शांत रहते, क्योंकि दोनों ही युद्ध नहीं चाहते थे। उन्हें लगा कि ठीक है, शायद हिटलर शांत हो जाएगा। विशेष तौर पर ब्रिटेन ज़्यादा शांत रहा क्योंकि वो युद्ध में किसी भी हाल में नहीं आना चाहता था। लेकिन ऑस्ट्रिया पर कब्जा करने के बाद हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के पश्चिमी हिस्से को लालच की नज़रों से देखा और हिटलर को शांत करने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने 30 सितंबर 1938 को जर्मनी के साथ एक म्यूनिक एग्रीमेंट भी साइन किया था, जिसके अंतर्गत चेकोस्लोवाकिया के पश्चिमी हिस्से को जर्मनी को दे दिया जाएगा। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लेविन चेम्बरलेन और इस पूरी घटना का विरोध विंस्टन चर्चिल ने खूब किया था ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, क्योंकि चर्चिल का मानना था कि हिटलर की भूख इस समझौते से नहीं मिटने वाली, जो कि वो बिल्कुल सही थे। क्योंकि इस समझौते के कुछ समय बाद ही हिटलर ने यूएसएसआर के साथ एक समझौता किया और पोलैंड पर कब्जा कर लिया। इस घटना के कारण नेविल को अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ी और ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने विंस्टन चर्चिल। और फ्रांस के आत्मसमर्पण से पहले ही विंस्टन चर्चिल ने अपना एक ऐतिहासिक भाषण भी दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब ब्रिटेन पर हमला कभी भी हो सकता है लेकिन वो अंत तक आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। वहीं दूसरी ओर फ्रांस पर जीत के बाद हिटलर अपने जनरलों के साथ ब्रिटेन पर हमला करने की रणनीति बना रहा था कि ब्रिटेन पर हमला कैसे किया जाए। पहला रास्ता ये था कि इंग्लिश चैनल को पार करके ब्रिटेन की जमीन पर अपने सैनिकों को उतारा जाए, लेकिन डर यह भी था क्योंकि ब्रिटेन की भूमि पर अच्छी खासी संख्या में एलाइड सोल्जर पहले से ही मौजूद थे, जो कि डंकर्क से सीधे ब्रिटेन की भूमि पर जा पहुंचे थे। ऊपर से आरएएफ यानी कि ब्रिटेन की वायुसेना रॉयल एयरफोर्स, जो कि बहुत मजबूत थी, और वहीं ब्रिटेन की रॉयल नेवी। फिर वहीं लुफ्तवाफ के कमांडर इन चीफ हरमन गोरिंग ने अपना सुझाव दिया कि लुफ्तवाफ दुनिया की बेहतरीन वायुसेना है और वो आराम से आरएएफ का सफाया कर देगी। लेकिन वो ये भूल गए कि हमें हमला उनके क्षेत्र में करने जाना है, जिस क्षेत्र को वो अच्छे से जानते हैं। जिसके बाद ऑपरेशन सी लॉयन के तहत 10 जुलाई 1940 को लुफ्तवाफ ने ब्रिटेन पर अपने हमले की शुरुआत कर दी। शुरुआत में उनका प्रमुख लक्ष्य था ब्रिटेन के बंदरगाह और आर्थिक कारखाने, जिसके बाद अगस्त आते आते लुफ्तवाफ ने ब्रिटेन पर हवाई अड्डों और रडार स्टेशनों को भी निशाना बनाया। उस समय लुफ्तवाफ के पास लगभग 2550 विमान मौजूद थे, तो दूसरी ओर रॉयल एयरफोर्स के पास 1964 विमानों की संख्या थी। आरएएफ की तुलना में लुफ्तवाफ काफी मजबूत थी, लेकिन ब्रिटेन के पास एक आधुनिक रडार सिस्टम था जिससे वो जर्मन विमानों के आने से पहले ही सचेत हो जाते थे। उस समय लुफ्तवाफ ने भारी तादाद में ब्रिटेन के एयर बेसिस पर हमले किए थे, लेकिन फिर भी रॉयल एयरफोर्स ने मजबूती के साथ जर्मन वायुसेना को जवाब दिया। उस समय लुफ्तवाफ ब्रिटेन पर इतनी ज्यादा सक्रिय थी कि रॉयल एयरफोर्स के पायलट रात दिन इन हमलों का जवाब देते रहते थे। उन्हें आराम करने का टाइम भी नहीं मिल पाता था क्योंकि हिटलर और ब्रिटेन के बीच ये पायलट ही खड़े थे जो अपने देश को हार से बचा सकते थे। हरमन गोरिंग की रणनीति यह थी कि ब्रिटेन के प्रमुख हवाई अड्डों, बंदरगाहों, कारखानों पर भीषण हमला करके ब्रिटेन को आर्थिक रूप से कमजोर किया जाए ताकि ब्रिटेन आत्मसमर्पण करने को मजबूर हो जाए। क्योंकि दूसरी ओर जर्मनी की यू बोट पहले ही ब्रिटेन तक पहुंचने वाले कई सारे जहाजों को अटलांटिक महासागर में नष्ट करती जा रही थी, लेकिन इस रणनीति पर हिटलर ने थोड़ा सा बदलाव कर दिया क्योंकि अच्छे रडार सिस्टम होने के कारण एआरएफ के विमान लुफ्तवाफ को अच्छी खासी टक्कर दे रहे थे। इसलिए हिटलर ने रणनीति बदलते हुए लंदन शहर पर हमले के आदेश दे दिए, जिसके बाद लुफ्तवाफ ने लंदन में बम बरसाने शुरू कर दिए। लेकिन कई सारे इतिहासकारों का ये भी मानना था कि खराब मौसम होने के कारण गलती से लुफ्तवाफ के विमानों ने लंदन पर हमला किया था। दूसरी ओर जब लंदन में बमबारी की गई तो चर्चिल भी भड़क गए और उन्होंने भी अपने एआरएफ के विमानों को आदेश दिया कि तुम भी जाओ और बर्लिन पर हमला करो।
सितंबर की शुरुआत में अरब के विमान बर्लिन तक पहुंच गए और बर्लिन शहर पर भयंकर बमबारी की, जिससे अब हिटलर बाबा और ज्यादा भड़क गए और उन्होंने ब्रिटेन के शहरों पर भारी बमबारी करने के आदेश दे दिए, जिसके अनुसार 15 सितंबर को लुफ्टवाफ ने लंदन, लिपुर और कोबाद्री जैसे प्रमुख शहरों पर भारी बमबारी की, जिसमें सिर्फ लंदन पर 57 रातों तक हमला किया गया था। यहां से मामला थोड़ा सा पलट गया, क्योंकि जो एआरएफ के पायलट पहले सो भी नहीं पा रहे थे, इन शहरों पर हुई भयंकर बमबारी के कारण उन्हें आराम करने का समय मिल गया। इन शहरों में हो रहे हमलों के दौरान विमानों को अंडरग्राउंड कर दिया, जो विमान खराब थे उन्हें रिपेयर किया और नई संख्या में कई सारे विमान बनाए गए। जबकि जो लुफ्टवाफ शहरों पर हमला कर रही थी, उसे एक दिन यह लगा कि हमने एआरएफ को पूरी तरह से साफ कर दिया है, जो कि वो बिल्कुल गलत थी। जिसके बाद एआरएफ ने अपनी नई ताकत के साथ फिर से लुफ्टवाफ को कठोर जवाब दिया। परिणाम यह हुआ कि लुफ्टवाफ को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद उन्होंने रात में हमले करने की रणनीति अपनाई, लेकिन वे फिर भी सफल नहीं हो पाए। इस हमले से यह हुआ कि लुफ्टवाफ में अनुभवी पायलटों की कमी होने लगी। दरअसल अधिकतर सारी लड़ाई ब्रिटेन के हवाई क्षेत्र में ही हो रही थी, इसलिए जब भी कोई लुफ्टवाफ का विमान क्रैश होता था तो उसका पायलट पैराशूट लैंडिंग करके नीचे तो उतर जाता था, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता था। वहीं दूसरी ओर जब कोई एआरएफ का विमान क्रैश होता था तो उसका पायलट पैराशूट लैंडिंग से सीधे सही सलामत नीचे उतर जाता था और अपनी ही जमीन पर उतर जाता था, और उसी दिन वो फिर से वापस लड़ाई में शामिल हो जाता था। ऊपर से रॉयल एयरफोर्स में लगभग 25% पायलट अलग अलग देशों से भी थे। इस पूरे युद्ध में रॉयल एयरफोर्स को सबसे ज्यादा फायदा मिला डोर्डिंग रडार प्रणाली का, जो पहले ही एआरएफ को संकेत दे देती थी कि जर्मन विमान आ रहे हैं। इसलिए लुफ्टवाफ कभी भी जमीन पर एआरएफ को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा पाई। ऊपर से एआरएफ डिफेंसिव थी, जो कि अपनी ही जमीन की रक्षा कर रही थी, इसलिए वो लुफ्टवाफ पर भारी पड़ी। हिटलर का सपना था नेपोलियन से भी श्रेष्ठ जनरल वार बनने का, क्योंकि नेपोलियन भी ब्रिटेन को जीत नहीं पाया था। उसी तरह अंत में अक्टूबर 1940 में अपने रशियन अभियान को देखते हुए हिटलर ने भी ब्रिटेन से अपना ध्यान हटा लिया, और नेपोलियन की तरह ही हिटलर भी ब्रिटेन को नहीं जीत पाए। इस पूरे अभियान में जर्मन वायुसेना लुफ्टवाफ को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। लुफ्टवाफ ने अपने 1880 विमानों को इस अभियान में खो दिया था। साथ ही साथ लुफ्टवाफ के लगभग 2700 पायलट मारे गए थे, लेकिन पकड़े गए पायलटों की संख्या भी ज्यादा थी, 1000। वही दूसरी ओर रॉयल एयरफोर्स के भी 1260 विमान नष्ट हुए तो 500 पायलट मारे गए, जिसमें 60 पायलटों को जर्मन सेना ने पकड़ लिया। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि ब्रिटेन एक बहुत बड़ी महाशक्ति था। दरअसल ब्रिटेन की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है कि उसके चारों ओर समुद्र है। उसी के कारण नेपोलियन भी कभी भी ब्रिटेन को तक नहीं पहुंच पाया था। हाँ, बस उसकी आर्थिक घेराबंदी जरूर की थी, और यह काम हिटलर ने भी किया था। ब्रिटेन पर हमले से पीछे हटने का सबसे प्रमुख कारण यह भी था कि सर्दियों के मौसम शुरू हो चुके थे और खराब मौसम में ब्रिटेन पर हमला करना भी मुश्किल होता। इसलिए अपनी सेना की बढ़ती हुई ऑयल की डिमांड को देखते हुए हिटलर ने अपना रुख रशिया की ओर कर दिया, क्योंकि अगर हिटलर ब्रिटेन को जीत भी जाता तो उसकी सारी आपूर्ति पूरी नहीं होने वाली थी, क्योंकि ब्रिटेन खुद ऑयल रिसोर्सेस के लिए बाकी देशों पर निर्भर था। लेकिन जो भी हो, हिटलर ब्रिटेन को जीतने में नाकाम रहा था। लेकिन हिटलर ने ब्रिटेन की कमर तोड़ दी थी उसकी आर्थिक घेराबंदी करके। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या करना है। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।